ब्रिजू, मैक और जगा, नीता के हिंदुस्तान लौटने से पहले फॉरेन भेजने के लिए हमें तीन नहायत ही खूबसूरत लड़कियों की जरूरत है। ढूंढो। राजा साहब, ये निशा है, वन ऑफ द टॉप डांसर्स। ये रदा है और ये सपना, ये दोनों टॉप मॉडल्स हैं। फॉरेन भेजने के लिए हमने इन्हीं को चुना है और आज शाम को इनका प्रोग्राम भी रखा है। हर पल हंसी हो, फिर जिंदगी का मजा।
बंटी, तुझे कितनी बार कहा है नाखून खाने से पेट इतना बड़ा हो जाता है। सॉरी भैया, अब चलो ना, स्कूल के लिए देर हो रही है। अच्छा अच्छा ठीक है, आज ठक्कर अंकल तुझे स्कूल छोड़ेंगे। नहीं भैया, मैं ठक्कर अंकल के साथ स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों? वो ठरकी अंकल जहाँ भी लड़की देखते हैं गाली रोक देते हैं, फिर टीचर डांटती है। अच्छा जा जा, देखो ना है। गुड मॉर्निंग ठरक अंकल। अबे ठरक, अबे मेरा नाम ठरक नहीं है, ठक्कर है। अगर तूने भी मुझे ठरक कहा तो सारी दुनिया तो मुझे ठरकी कहेगी। उसमें क्या फर्क पड़ता है? है? लोग आज कहते नहीं लेकिन जानते तो है। देख मैं तेरा बॉस हूँ, लाइट एंड लाइफ फोटोग्राफी कंपनी का मालिक, और नौकर के घर में आया हूँ, इसीलिए नौकर को अपना दोस्त नहीं बनाना चाहिए। आई मीन के दोस्त को अपना नौकर नहीं बनाना चाहिए। यू आर एक्सक्यूज। ओह थैंक यू। अरे जाता कहाँ है, आज हिंदुस्तान की ब्यूटी क्वीन मिस नीता परदेश से देश आ रही है, जल्दी से एयरपोर्ट पहुंच जा और उसके फोटो घसीट के ला। हेलो नीता। हेलो सनी। वन मिनट। थैंक यू। हाय नीता। देव। लोग मुझे उठाकर यहाँ ले आए हैं। हम जानते हैं
वो हमारे ही आदमी थे। आपके? नहीं राजा साहब, आप इतनी शरीफ, इज्जतदार और नामी आदमी हैं। आपने मुझे ब्यूटी क्वीन सिलेक्ट किया, अपने खर्चे पर फॉरेन भेजा। आप ऐसी जलील हरकत नहीं कर सकते। ये देखो नीता, ये पिंकी, ये आशा और ये शहनाज, सबको हमने फॉरेन टूर भेजा। एक एक कर सब इसी तरह इस कमरे में लाई गई और सबकी जुबान पर यही लफ्ज थे कि राजा साहब आप ऐसी जलील हरकत नहीं कर सकते, मगर हमने की क्योंकि हम मजबूर थे। और फिर तुम तो हमारे लिए न्यूयॉर्क का तोहफा लेकर आई हो। तोहफा? हाँ नीता, तुम्हारे पास हमारा अनमोल हीरा है। हीरा? हाँ, तुम्हें याद है लंदन में तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था और तुम बेहोश हो गई थी, फिर तुम्हारे जिस्म पर प्लास्टिक सर्जरी करवाई गई थी। वो सब हमारा ही प्लान था ताकि तुम्हारे इस खूबसूरत जिस्म के अंदर वो अनमोल हीरा छुपा सके। यू आर अ स्काउंडरल। लोग तुम्हें क्या समझते हैं और तुम क्या हो? हमारी बहुत खूबियां हैं, उनमें से ये भी एक खूबी है कि लोग हमें तभी पहचानते हैं जब उनका इस दुनिया से जाना तय हो जाता है। मैं बताऊंगी पुलिस को कि तुम एक बदमाश, स्मगलर और खूनी हो। लड़कियों की जिंदगी से खेलना तुम्हारा शौक नहीं, कमजोरी। हुस्न, हीरा और हवस हमारी कमजोरी है। हुस्न और हीरा तुम्हारे पास है और हवस हमारे पास। आओ इन दोनों का मेल करवा देते हैं। कहां था तू इतने दिन? कहीं बाहर गया था क्या? क्या बात है देव, इतना उदास क्यों है? किसी ने मेरी नीता का खून कर दिया। नीता? कौन नीता? भैया, जब तक नीता का खूनी जिंदा है मैं चैन से नहीं जी सकूंगा। देव, उसे मारकर तुम चैन से मर भी ना सकोगे। ये क्या कह रहे हैं आप? देव, बदले की आग खानदान के खानदान तबाह कर देती है, भूल जाओ ये सब कुछ, भूल जाओ अपनी नीता को, भूल जाओ उसके खूनी को। निशा, राधा और सपना,
दुनिया की सैर करके हिंदुस्तान बहुत जल्द वापस आ रही है, अपने बदन में हमारे लिए कीमती हीरे छुपाकर। निशा, वो पर्स कितना हैंडसम था। ये रे गुड ट्रिप लो निशा। बेटी निशा। वाव। डैडी। ओयो लॉन्ग टाइम नो सी या। नाउ दिस इज टू मच। एटलीस्ट हेलो तो करो पहले। हां दिस इज नॉट सही क्या हो रहा है? स्टॉप इट सनी आई सेड। आर यू इरिटेटिंग मी? स्टॉप इट आई सेड। कम मॉर्निंग जस्ट कम सनी। व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? सनी क्या कर रहे हो तू? अच्छा अच्छा। क्या हुआ? अरे कहाँ जा रहे हो? अरे सुनो तो। अरे यार हटिए ना प्लीज प्लीज। आओ बेटे जा रहे। हेलो जल्दी जल्दी चलो। हेलो निशा एक्सक्यूज मी वन मिनट। अरे भाई बेटी इंग्लिस्तान से आई है, कोई राजस्थान से नहीं जो आरती उतारने के लिए तैयार खड़ी हो। तुम्हें तो बस। अच्छा अच्छा भाई अच्छा। मम्मी आओ बेटी। तेरे तो ओह माय गॉड यू स्टूपिड इडियट। इतनी बड़ी बड़ी आंखें लटकाने के बावजूद मेरी कार की लाइट तोड़ दी। अरे वाह तोड़ गए। I'm sorry. What sorry? नहीं वो साइकिल वाला। What साइकिल वाला? वही जो बीच में आया। बकवास बंद करो। अरे निशा बेटी जी ये देखो इसने इतनी जोर की गाड़ी लाके टकराई है कि न तो तुम्हारी गाड़ी का टिन दबा है न खनौ चाहिए न रंग उतरा है, बस एक लाइट टूट गई है। काफी तजुर्बे का ड्राइवर मालूम होता है। हाँ? डैडी, इसको धक्के मार के बाहर निकालने के बजाय आप इसकी तारीफ कर रहे हैं। Idiot, how dare you take my photo? I'll kill you. Get out. Thank you. I say get out. मुझे कुछ बोलने का मौका दीजिए, मैं आपके खूबसूरत चेहरे की फोटोग्राफ्स लेने आया हूँ। हेलो डैडी। How dare you enter my house? बुरा मत मानिए, मैं कलात्मक दृष्टिकोण से देख रहा हूँ, मैं फोटोग्राफर। हासिन गेट आउट। तुम जो भी हो आई डोंट केयर। बट आई केयर मैडम। स्टडी स्टडी स्टडी। मैं तुझे ये मेरा पंखा। डैडी मम्मी कहाँ तुम लोग? एक ब्लैक एंड व्हाइट प्लीज फिर से थोड़ा। आर यू इडियट्स? कुत्ते कमीने लुच्चे टाइगर, ये तुम्हारा बाथरूम नहीं है। अंदर नहा रहा है। What? टाइगर से बचाइए। अपनी पार्टी से भी बचाइए टाइगर। आपके बाद टाइगर फोटो मत लेना, वैसे खानदान में गड़बड़ी और गड़बड़ी हो जाएगी। मम्मी पुलिस को फोन करो, ये तो कोई दूसरा लफंगा है। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं ये मैगजीन है। आ हा 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 क्या फोटो खींची है, खींचने वाले ने आपकी फोटोग्राफर की दाद देनी चाहिए। मैं उस इडियट को जान से मार दूंगी। कहाँ है वो? मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेन लिखवाऊंगी, तुम्हें कोर्ट में घसीट कर इस ऑफिस को ताला लगवा दूंगी। कहाँ है वो फोटोग्राफर? बंदा हाजिर है। फोटो पसंद आई? यू रास्कल, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। नहीं नहीं मैडम, मैं मर गया तो फोटो कौन उतारेगा? हमारे स्टूडियो का नाम रोशन कैसे होगा? बाहर में जाए तुम्हारा स्टूडियो, मैं भी पुलिस को बुलाती हूँ। आपस के मामले में पुलिस का क्या काम? किसी शरीफ लड़की की ऐसी तस्वीरें छापते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? करेक्ट, एक जवान लड़की बदनाम हो जाएगी, कल शादी कौन करेगा इनसे? कल क्यों, मैं तो आज ही करूँगा। आज ही? सॉरी। ओके ओके। लोफर लुच्चे लफंगे,
तुम्हारे इस गंदे मजाक का ऐसा मजा चकाऊंगी कि तस्वीरें खींचना छोड़ दोगे। मैं तस्वीरें खींचना तो नहीं छोड़ूंगा, लेकिन तुम गुस्सा करना छोड़ दोगे। शट अप। मैडम वो बाथरूम है, आई मीन के डार्क रूम है। किधर है ये लड़की है कि चीपटाक डमडम है, अब क्या होगा? इब्तदा इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। मेरी नजर से मेरी नजर का रिश्ता बड़ा, पहली नजर में दिल ने मेरे अपना तुझको माना।
रिश्ता बड़ा पुराना। क्या प्रोग्राम है? कोई खास नहीं, क्यों? वेरी गुड, आज मैं शाम के 4 बजे तुम्हारा स्विमिंग पूल पे इंतजार करूंगी। टाइम पे पहुंच जाना। अच्छा ठीक है, आ जाऊंगा। हाँ, बाय बाय। या सिट डाउन, दैट्स राइट, ऑल इट ऑल, या राइट। Hold it, hold it. Thoda chin up. Yeah. Right, right out. Here we go.
व्हाट इज दिस? ये कोई टाइम है तुम्हारा आने का? क्या करूं निशाम, मेरा काम ही ऐसा। जहन्नुम जाए तुम और तुम्हारा काम। मैं चली। नहीं नहीं, डोंट टॉक टू मी। ऐसा कसम मत करो प्लीज। वैसे देर से आने का मुझे बड़ा अफसोस है, उसके लिए मैं लाख बार उठक बैठक कर सकता हूँ। उसे भी काम ना चले तो जमीन पर ये नहीं, नाक नाक रगड़ रगड़ कर चेहरे से गायब कर सकता हूँ। तो फिर कर दो। करूं? कर दो कर दो, किसने रोका है? लेकिन सोच लो, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे कि निशा के बॉयफ्रेंड के चेहरे पर नाक नहीं है। कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारी नाक की कोई जरूरत नहीं। तो फिर? अच्छा, अभी ड्रेस चेंज करके स्विमिंग करेंगे हा? नहीं, मुझे स्विमिंग का मूड नहीं। लेकिन मेरा मूड तो है। जी जी, स्विमिंग का मूड अभी। ड्रेस चेंज। क्या बात करती हो, हमारे दोनों के सिवाय यहाँ तीसरा आदमी नजर ही नहीं आ रहा है। मैं सच कहती हूँ सनी, मुझे कोई जान से मारने की कोशिश कर रहा था। मारने की कोशिश कर रहा था? हाँ। लेकिन कहाँ गया वो? अच्छा ये बताओ, अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? पानी के अंदर कोई आदमी इतनी देर जिंदा नहीं रह सकता। बिलीव मी सनी, जब मैं लंदन में थी तो इसी तरह पूल में गिर के बेहोश हो गई थी। जब मुझे होश आया तो मेरी प्लास्टिक सर्जरी करवाई गई थी। ये देखो। सारा खर्चा भी उन लोगों ने किया था। ये महज इत्तेफाक है निशा, कि तुम लंदन में भी स्विमिंग पूल में गिरी और यहाँ भी स्विमिंग पूल में गिरी। बस। मैं गिरी नहीं सनी, मुझे किसी ने घसीटा। मैं तो चुपचाप यहाँ बैठ के किताब पढ़ रही थी। अच्छा समझ गया, ऐसी डरावनी कहानियां मत पढ़ो, ये सब तुम्हारा ख्याल है। हाँ समझी। अच्छा, बी अ गुड गर्ल एंड रिलैक्स। कम। ओके, टेक इट इजी, अब तो रिलैक्स हो जाओ। ये सब तुम्हारा ख्याल है? अच्छा ठीक है, कल मेरा बर्थडे है। अरे हैप्पी बर्थडे। आज नहीं कल। अच्छा ठीक है, अगर अब की बार तुम देरी से आए तो मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगी और जिंदगी भर तुमसे बात नहीं करूंगी। प्रॉमिस। यू राजा साहब, अगर फोटोग्राफर सनी बीच में ना आता तो आज निशा। कोई बात नहीं, कुछ दिनों के लिए निशा को भूल जाओ। हाँ सपना का क्या हुआ? अरे इन गुलाबी गुलाबी टमाटर जैसे गालों को इस आटे जैसे पाउडर से क्यों ढांप रही हो? ये लीपा पोती क्यों कर रही हो? तुम तो खुद पुती पुताई हो, छपी छपाई हो, लिखी लिखाई ऐसी किताब हो जाने मन, जो एक बार पढ़ ले वो बार बार पढ़े। थक कर बैठो ना। यहाँ बैठता हूँ। यहाँ नहीं, यहाँ बैठता हूँ। मैं जरा मेकअप टच कर लूँ। ये मैंने क्या टच कर लिया? अरे मेकअप टच करने की क्या जरूरत है जाने मन, तुम तो ऐसी पारस पथरी हो कि तुम जिसको टच कर दो वो 100 टच का सोना बन जाए। क्यों, मेरी क्या बात है? आज कुछ ज्यादा ही गर्म नजर आ रहे हो। बात ही कुछ ऐसी है, रात को हकीम हरिहर प्रसाद से मुलाकात हो गई। उसने ऐसी हरी हरी पुड़िया खिला दी कि हरा ही हरा दिख रहा है मेरी लाल छड़ी। दिल धड़के घड़ी घड़ी, ढिका टुक टुक टकाक, ढिका टुक टुक टकाक। सॉरी सॉरी, आज रात का टाइम मैं किसी को दे चुकी हूँ। टाइम ही दे चुकी हो ना, घड़ी उतार कर फेंक दो। हा? मेरे साथ चलो, मेरे दिल की दुनिया डोल रही है, पुड़िया उछल उछल कर बोल रही है। प्लीज ठक्कर,
आज मुझे माफ कर दो, मैं एडवांस भी ले चुकी हूँ। एडवांस भी ले चुकी हूँ? पुड़िया गलत वक्त पे खा गया। कोई बात नहीं, कल की रात मेरे लिए बुक कर दो ना। ओके। ओ गॉड, हर नाइट्स। याद आया, सनी मड बीच पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। भाग जाओ। अगर वो लोग वापस आ गए तो? नहीं, वापस नहीं। लगा? नहीं। डरिए मत, मैं जो हूँ। तुम हो ना, वही प्रॉब्लम है। ये सब लेके जा, जा। साला। मेरी घड़ी? ये लो। ओह माय गॉड, धीरे डाली, धीरे चलो। ये निशा, देखो बात सुन, हैप्पी बर्थडे। उंगली उंगली हेलो हेलो निशा, मैं सनी बोल रहा हूँ। देखो सनी, आज के बाद मुझे फोन करने की कोशिश मत करना। ओ, मेरा सर। हेलो हेलो सनी, मैंने कितनी दफा कहा तुमसे मुझे फोन मत करो। आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। लो, ये रहा तुम्हारा बैग। खंडाला पहुंचते ही फोन करना, अपनी सेहत का ख्याल रखना। वो तो मैं रखूंगा ही, लेकिन आपकी सेहत का ख्याल कौन रखेगा? तुम मेरी फिक्र मत कर। मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? ना जाने आजकल क्या हो गया आपको, ना खाते हैं ना सोते हैं, क्या बीमारी है आपको? कुछ नहीं। अब जा, टीचर तेरा इंतजार कर रही है नीचे। पहले प्रॉमिस करो, रोज टाइम पे घर आओगे, खूब खाओगे और रोज शेविंग करोगे। अच्छा मेरी दादी माँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ। अब जा। ए, वहाँ शरारत मत करना। नहीं करूंगा। हेलो सनी, मैं निशा बोल रही हूँ। निशा, तुम? हाँ, मैं।
लेकिन तुम तो मुझसे नाराज थी, फिर ये। अरे बुद्धू, प्यार में जब तक नाराजगी ना हो मजा नहीं आता। तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? हाँ, तुमने फोन करने के लायक रखा है कब है? जब फोन करूं? I hate you, I hate you, I hate you. कड़क। अच्छा बाबा, I love you, I love you, I love you. बस बस बस, कोई सुन लेगा तो हमारे प्यार को नजर लग जाएगी। अच्छा सुनो, आज का तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? प्रोग्राम? आज सब प्रोग्राम कैंसिल है। आज तुम्हारा प्रोग्राम ही मेरा प्रोग्राम है। जहाँ भी बुलाओगी वहाँ ये गुलाम सर के बल आएगा। गौर से सुनो, आज मैं 4 बजे की फ्लाइट से सिंगापुर जा रही हूँ। मेरा वहाँ डांसिंग शो है। हे निशा, आज का जाना कैंसिल नहीं हो सकता? बहुत मुश्किल है। तुम 2 बजे एयरपोर्ट पे पहुँच जाना, तुमसे ढेर सारी बातें करनी है। इतने कम समय में हम ढेर सारी बातें कैसे करेंगे? ए निशा, एक दिन के लिए रुक जाओ ना। ए तो ठीक है, एयरपोर्ट पे आकर रोक लो मुझे। देखती हूँ तुम्हारे प्यार में कितनी ताकत है। देखो सनी, अब की बार अगर तुम वक्त पर नहीं पहुँचे तो तुम्हारी निशा तुमसे बहुत दूर चली जाएगी। नहीं 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 नहीं, अरे आज तो मैं 1 बजे ही पहुँच जाऊंगा। सनी, स्टॉप सनी! हाय सनी! कहाँ जा रही हो? फिल्म की शूटिंग है। बसें इतनी क्राउडेड आ रही कि जगह ही नहीं मिल रही। अच्छा, तो टैक्सी में जाओ। टैक्सी स्ट्राइक पर है। सनी, मुझे एक फेवर कर दो प्लीज। नो, ड्रॉप मी प्लीज। सुनो राजा, आज तुझे मैं ड्रॉप नहीं कर सकता, देर हो रही है, मेरा एक अपॉइंटमेंट है। ओफो सनी, जब भी मैं तुम्हें मिलती हूँ या तो तुम्हें देर हो रही है या तुम्हारी कोई अपॉइंटमेंट। प्लीज सनी। अच्छा अच्छा, मैं तो बैठी हूँ, चलो। अरे मैं तो गाड़ी में बैठी हूँ, कम ऑन। थैंक यू। जाने तो अब सिंगापुर पर्थ था, सिडनी जाने के लिए तैयार है। लो, आ गई तुम्हारी लोकेशन, अब जल्दी उतरो और मुझे जाने दो। बड़े बेमुरव्वत हो, मुझे यहाँ अकेले छोड़कर जाओगे? यूनिट आएगा फिर चले जाना। नो 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 नो, मैं नहीं रुक सकता। क्यों? अरे अगर आज मैं यहाँ रुक गया तो ये जमीन, ये आसमान, ये दुनिया सब कुछ रुक जाए। जब सब कुछ रुक ही जाएगा तो फिर ये जीप क्यों चले? प्लीज, मेरी बहुत जरूरी अपॉइंटमेंट है, प्लीज। वो मैं कुछ नहीं जानती, पहले मेरे साथ नाचो गाओ फिर देगी चाबी रानी अपने राज्य को। मेरी रानी, मेरी महारानी, स्वीट हार्ट, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, बोलो क्या करना है। गाओ नाचो गाओ। बस चाबी दो, अगर आज मैं लेट हो गया तो मेरे दिल को ताला लग जाएगा। कोई बात नहीं, मैं खोल दूंगी वो दिल का ताला। अच्छा कैसे? इतना सा ही डर है, बन जाए ना कोई बसाना। छोड़ दे दुनिया से डरना, ओ जाच शराबी राजा, आजा राजा, आजा। हर खोल दूंगी दिल का ताला, मैं हूँ वो चाबी राजा। Thank you.
अगली है तू यूं ही घबराए लो, तुम्हारी यूनिट आ गई, मेरी चाबी दो। पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? हाँ बाबा करता हूँ, अब चाबी दो। लो, लो। राधा तुम मेरी दोस्ती, मेरी हमदर्दी, हंसी मजाक को प्यार समझ बैठी हो। हमारे बीच सिर्फ दोस्ती का रिश्ता है, प्यार का नहीं। प्यार सिर्फ एक से किया जाता है और वो मैं निशा से करता हूं। बाय। देखो सनी, अब की बार अगर तुम वक्त पर नहीं पहुंचे तो तुम्हारी निशा तुमसे बहुत दूर चली जाएगी। सच कह रही हूं, तरसोगे उसे देखने के लिए। She was regal, 12 year old. ये न रूठती है, ये न छूटती है, आखिरी दम तक साथ देती है। अगर तुम वक्त पर नहीं पहुंचे तो तुम्हारी निशा तुमसे बहुत बहुत दूर चली जाएगी। Yeah.
Hello? 86139. Yes? I'm Tucker's friend speaking. Kya chahiye aapko? Kya batao? Wo ladki hai wahan? Kaun si ladki? Main Inspector Gaikwad bol raha hu. Inspector? Aap wahan kya kar rahe hain? Kya bakwas kar rahe ho? Ye police station hai. Is it 836191? Yes, Sunny. Oh, hello. Pata malum hai na? Mona Lisa Apartments, flat number 14, Worli. Aa rahe ho na? Sunny? Aa rahe ho na? Bas, hold on. Rogo, stop. Yes. Yes. Arre. Sab ye chain main rakhu? Nahi, main rakhunga. Kanjoos kare. Arre. नहीं मैं पे 14 नंबर फ्लैट तीसरा माला ऊपर जाओ ऊपर हाँ हेलो हेलो वाह नो रॉन्ग नंबर मैं फ्लैट 14 जाना है यही 14 है फोर्टीन मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ अच्छा यहाँ कोई बात मैं बहुत परेशान हूँ जगह ढूंढ रहा हूँ मिल ही नहीं रही मेरे दिल में बहुत जगह है सारी परेशानी दूर कर दूंगी नहीं मैं आओ ना पहले अंदर तो आ जाओ अब कहो क्या परेशानी है अपनी सारी परेशानी मेरे दामन में डाल दो दामन क्या बात कर रही हो मुझे कम ऑन पहले तो जाम हो जाए फिर सारी रात तो अपनी है नहीं मुझे One minute, huh? Hello? Sapna speaking? Sapna? Thakkar speaking? Sunny aaya hua hai. Sapna, baat aisi hai
कि सनी जसन सनी में है, बहुत परेशान है बेचारा, कुछ उसे ऐसा सहलाओ, कुछ ऐसा बहलाओ कि सनी की सारी सन सनाहट दूर हो जाए। तुम उसकी फिक्र ना करो, वो आज मेरा मेहमान है, माय स्पेशल गेस्ट। सनी, तुम वहां क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, प्रेशर, बाथरूम गया था। बाथरूम? बाथरूम तो वहां है। नहीं। हाँ, वो बालकनी है। बालकनी? वही मैं सोच रहा था, बाथरूम पौधे कैसे उगाए? यानी तुम सॉरी, मैंने कभी ओ गॉड ओ फरमाइए। अरे क्या खाक फरमाइए, एक तो मैं बीमार आदमी, दूसरा डॉक्टरों ने नहाने को मना किया है। तो मत नहाइए। मत नहाइए? अरे पूरा स्नान करवा दिया है गर्म पानी से। माफ कीजिए, वो गर्म पानी नहीं था, वो तो मैं बालकन गर्म पानी था। गर्म पानी था? सॉरी, प्लीज माफ कर दीजिए ना। कैरी ऑन। Good night. ये क्या? किताब पढ़ रहा हूँ। ऐसे? नहीं, ऐसे ऐसे। बैठो। नहीं नहीं नहीं। बैठो ना। नहीं नहीं नहीं। बैठो। नहीं बैठ सकता। क्यों? अरे क्यों क्या होता है, मैं बालकनी में बाथरूम समझ के गया था ना। हाँ। और पौधे के ऊपर उसके सर और तुमने चिल्लाया। हाँ? मैं डर के ऐसे खींचा और जिप। ओ, ओ। अरे हसी आ रही तुझे? जिप मुझे दे दो। नहीं, ये मेरी है, मुझे चाहिए। ठीक है, देती हूँ। अच्छा, पैंट उतारो। अरे क्या बात कर रही हो, क्यों? ठीक है, देती हूँ ना। अरे तुम्हारे सामने कैसे बेचरम लड़की। चलो पैंट उतारो। अकेले आदमी के साथ ऐसे खबरदार, आगे बढ़ी तो। लेकिन तुम अब इज्जत से पैंट उतारो। इज्जत से क्या? पैंट में इज्जत है? नहीं 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 नहीं। अच्छा, उस तरफ देखो। प्लास्टिक है। मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हूँ, ये बिल्कुल मेरी बैंड लग रही है। तुम्हारी तो है। मेरी है? दो दो, मेरी है, मेरे। पहले बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? पैंट चोर लग रहे हो, मेरे पैंट है। देखो, मुझे गुस्सा आ गया तो मैं रो दूंगा। पूर बॉय। नहीं, पैंट दो प्लीज। नहीं, पैंट दो प्लीज। नहीं, प्लीज। नहीं, नहीं। प्लीज। चिल्लाओ मत। प्लीज। ओके बाबा, ओके, पैंट दे देती हूँ। सपना बाहर आओ। अगर तुम नहीं आओगे तो मैं आऊंगा। अरे
क्यों रहे हो? मेरे पैंट दो ना। दो। हेलो। अरे अरे पोस्टमार्टम के लिए बॉडी ले जा सकते हैं। ठीक है साहब। कुछ नहीं सुनना चाहते। ये लड़की हमें जिंदा चाहिए थी। राजे साहब, मैंने बहुत कोशिश की, मैं उसे जिंदा। शट अप।
के साथ में इतना लंबा सपना, अभी तक घर नहीं पहुंचा। हेलो। अबे सनी के बच्चे, अभी तक वहां क्या कर रहा है? काम खत्म हो गया कि नहीं? कौन हो तुम? अच्छा, तो अब हम कौन हो गए? अबे गधे, मैं तेरा बॉस बोल रहा हूँ, लाइफ एंड लाइट कंपनी का मालिक मिस्टर ठक्कर। देख जल्दी से आ जा, नहीं तो मैं तेरा खून कर दूंगा। जैसा कि खून पहले करवा दिया है तुमने। खून? कौन बोल रहा है? मैं डीएसपी सिंह बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आपने मुझे एक चूहे की तरह इस पिंजरे में बंद कर दिया। अरे मेरे घर में इतने मच्छर हैं, मगर मैं ऑडोमास मल के सो जाता हूँ, एक मच्छर तक नहीं मारता, और मैं किसी का खून कर सकता हूँ, और वो भी एक ऐसी हसीन खूबसूरत लड़की का जो मेरी मनपसंद थी। इंस्पेक्टर साहब, मैंने तो सनी को उस लड़की का फोन नंबर दिया था, उसका खून कैसे हो गया मुझे नहीं मालूम। ब्यूटी क्वीन सपना का खून करके फरार है। जनता को आगाह किया जाता है कि जो कोई भी इस खूनी को देखे अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन को सूचित करे। सूचना सौंप। तुम पुलिस से बचकर भाग सकते हो, मुझसे नहीं। आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। किसको जिंदा नहीं छोड़ोगे? उस फोटोग्राफर सनी को। सनी को? क्यों? क्योंकि उसी ने मेरी नीता का खून किया है। ये तुम्हारी गलतफहमी है। गलतफहमी मुझे हो सकती है, पुलिस को तो नहीं, जो उसे सपने के खून के लिए ढूंढ रही है। मैं नहीं चाहता कि जल्दबाजी में तुमसे कोई ऐसा कदम उठे जिससे तुम्हारे भाई को सारी जिंदगी पछताना पड़े। भैया, मैंने सारी जिंदगी आपका कहा माना है, लेकिन आज मुझे मत रोकिएगा,
मुझे जाने दीजिए। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, उसका खून नहीं करने दूंगा। मेरे सर पर खून सवार है भैया, मैं बदला लेकर ही रहूंगा, आज मुझे कोई नहीं। अगर किसी का खून करने का ख्याल आए तो सबसे पहले अपने इस भाई का खून करना और समझना कि तुम्हारा सबसे बड़ा बदला पूरा हो गया। राजा साहब, पुलिस को पूरा यकीन हो गया है कि सपना का खून फोटोग्राफर सनी ने ही किया है। मगर राजा साहब, अफसोस की बात है, वो पुलिस के हाथों से निकल गया। गुड, ये पूरा यकीन है पुलिस उसे जल्द ही पकड़ लेगी। अगर पुलिस उसे पकड़ लेगी तो हम अगला इल्जाम किस पर लगाएंगे? बेहतर ये है कि तुम उसे अपने कब्जे में कर लो।
देखो कौन है। सबूत मिला? बताता हूँ बताता हूँ, पहले ये बताओ बंटी कहाँ है? बंटी तो अंदर है, आजा। तुझी को याद कर रहा था, बड़ी मुश्किल से सुलाया है, तुझी को याद करता रहता है। बंटी देख कौन आया। बंटी 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 भैया भैया। सनी वो फोटो लेकर भाग गया। राजा साहब वो फोटो हमारे लिए खतरा पैदा कर सकती है। खतरा? कभी नहीं, जाओ उसे जाकर खत्म कर दो। ओके राजा साहब, वो फोटोग्राफर जहां कहीं भी मिलेगा उसे खत्म कर दूंगा। फोटोग्राफर नहीं, आनंद। आनंद? हाँ आनंद। ठाकर मुझे पूरा यकीन है कि सपना का खून इसने या वैन वाले गुंडे ने किया है। तो ठीक है, पुलिस से कहते हैं कि खून तुमने नहीं इसने किया है। नहीं यार। क्यों? मैं पुलिस स्टेशन नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकते? तुम समझते क्यों नहीं, जब तक पुलिस इन्हें सबूत के साथ ना पकड़ ले मुझे पुलिस से बचकर रहना होगा। इसलिए ये काम तुम्हें ही करना होगा। मिस्टर सनी, इन लोगों को पकड़वाकर जो आपने कानून की मदद की है उसके लिए कानून हमेशा आपका एहसानमंद रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। लेकिन अब मैं पुलिस से नहीं नहीं, अब आपको पुलिस से भागने कोई जरूरत नहीं, आज से आप आजाद हैं। आ बाहों में कुछ कोतल की आग बुझेगी, हो
की आप देखी हो, शर्म है आ छोड़ दे, कौन जाने कब आएगा फिर ऐसा मौसम प्यारा, जान मेरी हो जान मेरी तेरे लिए जन्म लिया मैंने दोबारा, पर पहले जो हुआ नहीं हो जाए वो प्यार में आरा, जान मेरी तेरे लिए जन्म लिया मैंने दोबारा, और जान मेरी तेरे लिए जन्म लिया मैंने दोबारा। मुझे तुम पर विश्वास है सानी, मेरा विश्वास मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। आओ अंदर आओ, जब तक पुलिस असली मुझे पकड़ लेती तुम यहीं पर रहो। अगर पुलिस को मालूम पड़ गया कि तुमने एक मुजरिम को पनाह दी है तो मेरे लिए एक मुसीबत खड़ी हो जाएगी, पुलिस मुझे खामखा परेशान करेगी, तुम यही कहना चाहते हो ना? मैं तो अपने आप को खुश नसीब समझूंगी कि मैं तुम्हारे कुछ काम आ सकी। नहीं, मैंने पहले ही तुम्हें सिवाय दुख के और कुछ नहीं दिया। क्या कह रहे हो तुम? तुमने मुझे जिंदगी की वो खुशी दी है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। मैंने तुम्हें गलत समझा, मैं नहीं जानती थी कि तुम किसी और से प्यार करते हो, पर ना कह छोड़ो इन बातों को, अब मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, अब मेरे दिल में कोई ख्वाहिश नहीं रही, जिंदगी का कोई सहारा ही नहीं रहा। माँ जी, वो बेचारी तो हॉस्पिटल में जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही है, सोचती हूँ उसके बाद तो मैं बेसहारा हो जाऊंगी, अनाथ हो जाऊंगी, काश इस दुनिया में मेरा कोई अपना होता। हेलो, मैं आरोग्य निधि हॉस्पिटल से डॉक्टर शर्मा बोल रहा हूँ। क्या हुआ डॉक्टर? आप जल्दी हॉस्पिटल चले जाइए, आपकी माँ बहुत सीरियस है। मैं अभी, माँ की तबीयत बहुत खराब है, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आती हूँ, मैं जल्दी आ जाऊंगी। मम्मी को क्या हुआ, कैसी है वो? कुछ नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक है, पहले से कहीं बेहतर। मगर मुझे तो किसी ने फोन पर बताया कि मेरी माँ बहुत सीरियस है। सीरियस? किसी ने आपसे बेहुदा मजाक किया है, शी इज परफेक्टली ऑल राइट। Thank you.
क्या बात है बेटी? माँ, तुम्हारे बिना घर में दिल नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे हम माँ बेटी को कोई एक दूसरे से अलग करना चाहता है। मेरी तो आंखें तरस गई हैं उस देवता को देखने के लिए जो दूल्हा बन के आए मेरी बेटी को डोली में बिठा कर ले जाए। तुम तो कुछ और ही समझ रही हो माँ। बेटी, हर माँ की यही इच्छा होती है कि उसकी बेटी को अच्छा सा पति मिल जाए, उसे अच्छा सा घर मिल जाए और उसके हाथ पीले हो जाए। लेकिन माँ, तुम मेरी फिक्र मत किया करो, आराम करो, चलो। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखना। हाँ, कितना नजर आ हुए
एक जरूरी सूचना। सनी, जो खून के आरोप में पहले से ही फरार है, कल दो हत्याएं और कर चुका है। जनता से निवेदन है कि इस खतरनाक खूनी को अपने घरों में पनाह न दे और इसे पकड़वाने में पुलिस की सहायता करे। सूचना समाप्त हुई। जिस तरह मैं तड़प रहा हूं अपने भाई के लिए सनी, उसी तरह मैं तुझे ना तड़पाऊं तो लानत है मेरे जीने पे। लड़की में से धुआं, घर में से धुआं, घर में आग तो नहीं लग गई? घंटी, तूने तो मेरी घंटी बजा दी थी। अबे इस उम्र में धुआंदार, अबे घर का, अरे मैं तो गिर पड़ा। अंकल, अंकल, चोर! छोड़ दो इसे, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। मैं तुम्हारे नाम का वारंट निकलवा दूंगा। वारंट तो मैं अपने साथ ले जाना, ठक्कर खूनी का भाई। और सुनो, सानी को कह देना कि अगर वो अपने भाई को जिंदा देखना चाहता है तो कल शाम 5 बजे नई बंबई के पहाड़ी पर मिले। 5 बजे बंटी, पहाड़ी तो यही है, यही होना चाहिए। जरा गौर से देखो। मैं आ देखता हूं। बंटी कहाँ है? ऐसे मैं भी तड़प रहा हूँ अपने भाई और नीता के लिए, जिसका खून तुमने किया। समझने की कोशिश करो देव, खून मैंने नहीं किया। बेवकूफ मत बनाओ, मैं अपना बदला तुमसे और बंटी से लेकर ही रहूंगा। मेरा विश्वास करो, मुझे गलत मत समझो। बताओ मेरा भाई कहाँ है? इस जिंदगी में तुम उसे नहीं मिल पाओगे। सूखे घास को आग दिखाने में समझदारी नहीं। अगर मेरे बंटी को कुछ हो गया तो अफसोस है कि पहली बार आप हमारे मेहमान खाने में आए और हम आपकी इस तरह मेहमान नवाजी कर रहे हैं, लेकिन हम भी कमजोरियों की जंजीर में बंधे हुए हैं। हमारी एक कमजोरी यह है कि जिसको हमारे राज का पता चल जाए या जिससे हमारी जान को खतरा हो, फिर दुनिया को पता नहीं चलता कि वो कहां चला गया। मुझसे आपको क्या खतरा राजा साहब? मैं तो आपके वफादार नौकर आनंद का भाई हूं, जिसका खून कर दिया गया है। हम जानते हैं, मगर तुम्हारा वफादार भाई हमारे लिए खतरा बन गया था, इसलिए हमने उसे भी खत्म कर दिया। तूने मेरे भाई को मारा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिंदा तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे बरखुरदार। हम जानते हैं तुमने अपने भाई और महबूबा के कातिल को खत्म करने की कसम खाई है, लेकिन यह तुम्हारी बदकिस्मती है कि उन दोनों का कत्ल भी हमें ने करवाया। हेलो, यस, क्या बात है? राया साहब, निशा कल सुबह 8 बजे फ्लाइट से बम्बई वापस आ रही है। वेरी गुड, तुम लोग सब नकली पुलिस बनकर निशा को सही सलामत इस जगह पर लेकर आओगे, क्योंकि उसके पास
हमारा अनमोल हीरा है। तुम्हें फुल मिलकर बेहोश हो गई थी, जब मुझे होश आया तो मेरी प्लास्टिक सर्जरी करवाई गई थी। हमें अफसोस है फोटोग्राफर साहब कि हमारे बिछाए हुए जाल में आप फंसते चले गए। खून हम करवाते रहे मगर पुलिस आपके पीछे भागती रही, मगर अब आपको भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लगता है मरने की खबर सुनकर तुम्हें खुशी हो रही है। नहीं राजा, राजा नहीं, राजा साहब। राजा साहब, हमारे मरने के बाद जो आपको दुख होगा उस दुख को सोचकर खुशी हो रही है। दुख? कैसा दुख? आपकी एक बहुत ही कीमती कमजोरी मेरे पास है, हीरा। कौन सा हीरा? वही जिसे आपने निशा के शरीर में छुपाकर लंदन से हिंदुस्तान स्मगल किया है। What? हाँ, मैं सब जानता हूं। क्या जानते हो तुम? मैं ये रस्सी बहुत मैक खुलवा दीजिए प्लीज। कम ऑन मैक। ओ थैंक यू। अब बताओ तुम क्या जानते हो? हाँ, लंदन में आपने निशा का एक्सीडेंट करवाया और बेहोशी की हालत में उसकी सर्जरी करवाई और उसके शरीर में एक हीरा रखवाया। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं थैंक यू, मैं कहना यह चाहता हूं बंदा परवर कि निशा के हिंदुस्तान आने के बाद मैंने फिर से वो जख्म खुलवाया सर्जरी के जरिए और वो हीरा निकलवाया। तुम झूठ बोलते हो। ठीक है, मत मानिए, लेकिन एक बात याद रखना, निशा को या इन्हें कुछ हुआ तो जिंदगी भर आपको वो हीरा नहीं मिलेगा। यू बास्टर्ड। हीरा? पहले आपकी कमजोरी सिर्फ हीरा था, अब हम सब आपकी कमजोरी हो गए हैं। मैक, जब तक निशा नहीं आ जाती इन सबको बंद कर दो। इनसे कहो बदतमीजी से पेश ना आए। ठीक दिमाग भाई। थैंक यू राजा। हीरा। कम ऑन मैक। सनी, सनी, मुझे
हसन। सनी लगता है वो लोग आ रहे हैं, चलो जल्दी चलो यहां से, चलो चलो। पुलिस स्टेशन जाओ, मैं इनसे निपटता हूं। जल्दी आजा, आजा। बेटे क्या बात है डैडी? सब ठीक है, तुम आओ बताता हूँ। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया डैडी? बेटे वो पागल हो गया है और पागलपन में कुछ भी कर सकता है, इसलिए हम पुलिस की हिफाजत में घर जाएंगे। सर लेट्स गो। चलो बेटे। Thank you.
निशा Thank you.
आइए आइए। अरे इसका तो काम तमाम हो गया, गया हीरों का व्यापारी, गया काम से, उतला हो गया, उतला हो गया, उतला हो गया। कैमरा नहीं है, ऐसे ही ले ले। जान मेरी तेरे लिए हो जन्म लिया मैंने दोबारा, जान मेरी हो, जान मेरी तेरे लिए हो जन्म लिया मैंने दोबारा। पहले जो हुआ नहीं हो जाए वो प्यार में यारा।